रोल नंबर 8, कैसे जाने लोगों के मन की बात। सन 1900 के आसपास जर्मनी का एक घोड़ा जिसका नाम हैंस था दुनिया भर में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध हो रहा था। जब हैंस छोटा था तब उसके मालिक ने उसे छोटे छोटे अंकों की गिनती करना सिखाया। सही जवाब देने के लिए हैंस अपनी पाँव से टक की आवाज़ करता था। उस सवाल का जितना जवाब होता था वो उतनी बार अपने पैर से टप की आवाज़ करता था। इस बुद्धिमान घोड़े की खबर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। इस दौरान हैंस के मालिक ने उसे जोड़ के अलावा घुड़ा, भाग और साथ ही कुछ शब्द सिखाने भी शुरू कर दिए। थोड़े ही समय में हैंस छोटे मोटे भूगोल और विज्ञान के सवालों का जवाब देने लगा। हैंस ये सब जवाब अपने पैर को ज़मीन पर मारकर टप की आवाज़ करके देता था। घोड़े के इस हुनर की खबर काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। तब दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक और घोड़ों को जानकार इस घोड़े की जांच करने आए। जब उन्होंने इस घोड़े की जांच की तभी उस घोड़े ने सभी सवालों के सही सही जवाब दिए। अब ये घोड़ा और भी अधिक प्रसिद्ध हो चुका था, इसलिए अब उसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आने लगे। इस बार वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इस घोड़े का परीक्षण करने आई। वैज्ञानिकों के परीक्षण को देखने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक आए। वैज्ञानिकों को लगा कि शायद घोड़े का मालिक कुछ चालबाजी करता है, इसलिए उस मालिक को उस जगह से दूर भेज दिया और फिर एक एक करके सबने उस घोड़े से सवाल पूछे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि घोड़े ने हर एक सवाल का एकदम सही सही उत्तर दिया, मगर इसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं हुए लोग। तभी उनमें से एक व्यक्ति उठा और घोड़े के कान में जाकर धीरे से एक सवाल पूछा, जिसे और कोई नहीं सुन पाया। सभी लोग जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन इस बार वो घोड़ा अपनी जगह चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक ने घोड़े के कान में सवाल पूछा, लेकिन घोड़ा इस बार भी चुपचाप खड़ा रहा। सभी परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी उस घोड़े से कोई सवाल पूछा जाता था तब दरअसल वो घोड़ा अपने सामने खड़े व्यक्तियों को देखा करता था। सही जवाब के पास पहुंचने पर लोगों के हाव भाव बदलने लगते थे और सही जवाब देने पर उनके हाव भाव अलग हो जाते थे। लोगों के इन बदलते हाव भाव को पढ़कर ही वो घोड़ा हर बार सही जवाब देता था। तो देखा आपने कि कैसे एक घोड़ा लोगों की मन की बात जान सकता है। आप भी इसी तरह लोगों के हाव भाव को क्यों नहीं जान सकते कि कब कोई आपके सामने सच बोल रहा है और कब झूठ। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप टीवी देख रहे हैं और आपके साथ बैठे व्यक्ति के पास कोई फोन आता है, तब आप तुरंत टीवी के आवाज़ बंद कर देते हैं ताकि साथ वाला व्यक्ति आराम से बात कर सके। जब टीवी के आवाज़ बंद होती है तब आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर दिख रहे कलाकारों के हाव भाव पे होता है। आप उनके बोलने के तरीके को ये जानने की कोशिश करते हैं किस बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आप लोगों के हाव भाव जानना है कि क्या लोग आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, क्या वो हाँ में सिर हिला रहे हैं, क्या वो एकदम सहज हैं और क्या वो आपकी ओर ना देखकर दूसरी ओर देख रहे हैं। यहीं से निकलती है हमारी एक और सलाह, ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों तो हमेशा उस व्यक्ति पर भी एक नज़र डालें। जो बात आप उससे कर रहे हैं क्या उसे वो बात प्रभावित कर रही है या नहीं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये आसानी से जान पाएंगे कि आपकी बातें उन्हें पसंद आ रही है कि नहीं। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी बातें शायद उन्हें पसंद नहीं आ रही है तो उसी क्षण कुछ और बातें करने की सोचें। इस तरह से आप खुद को ऐसी बात करने से बचा सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को आपसे दूरी बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।